नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल अल्टरनेट एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुकुंद। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तब दोनों देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया युद्ध का नियम का पालना करना पड़ता है। इसी तरह प्राचीन युग में भी जब दो राज्यों के बीच में युद्ध होता था तो उसमें भी युद्ध का नियम बनाया जाता था और उसे हर राज्य को उस नियम का पालन करना पड़ता। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि प्राचीन युग में इंडिया की हरियाणा की कुरुक्षेत्र में एक बड़ा सा युद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे धर्म युद्ध भी कहते हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है कि वो युद्ध धर्म स्थापना का लिए स्थापना के लिए हुआ था, इसीलिए उसे धर्म युद्ध का नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उस युद्ध में कोई नियम बनाया गया था? अगर कोई नियम बनाया गया था तो वो क्या था? अगर नियम बनाया था भी, क्या कौरव पांडव दोनों ने उस युद्ध का नियम पालना किया? अगर नहीं किया तो किसने पालना नहीं किया? क्या पांडव ने नहीं किया, क्या कौरव ने नहीं किया? देखिए, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सब कुछ जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। महाभारत युद्ध का पहला नियम ये था कि महाभारत युद्ध का आरंभ सूर्योदय के बाद होगा और सूर्यास्त तक ही रहेगी। सूर्यास्त के बाद किसी भी योद्धा को दूसरी योद्धा पर वार करना, उसे मारना, घायल करना वर्जित था। सूर्यास्त होने पर जब शंख की ध्वनि अर्धनाद होता था तभी लोग सभी योद्धा युद्ध में शामिल होते थे और सूर्यास्त के बाद जब दूसरी बार युद्ध समाप्ति की ध्वनि बजाया जाता था तब युद्ध का समाप्त होता था। लेकिन अर्जुन ने युद्ध के 14वीं दिन जयप्रथ की हत्या करके, जयप्रथ की हत्या सूर्यास्त होने पर करके ये युद्ध का नियम को तोड़ दिया था। कहने को ये भी कहा जाता है कि जयद्रथ का हत्या सूर्यास्त के बाद नहीं बल्कि सूर्य ग्रहण पर किया था और वो सूर्य ग्रहण करवाया था भगवान श्री कृष्ण ने। महाभारत युद्ध का दूसरा नियम ये था कि एक बार में एक योद्धा सिर्फ एक ही योद्धा से युद्ध कर सकता था। दो और दो से अधिक योद्धा मिलकर किसी एक योद्धा को घायल करना, उस पर वार करना और उसे मार गिराना इस युद्ध के खिलाफ था। और ये नियम भी बहुत बार महाभारत युद्ध में तोड़ा गया। देखा जाए तो एक उदाहरण में आपका सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि युद्ध का 13वीं दिन कर्ण, दुर्योधन, वृषसेना, अश्वत्थामा, द्रोण, शकुनी, दुशासन आदि मिलकर अभिमन्यु पर सामूहिक वार करके उसे मार गिराया था। तो इसी दिन के दिन इस नियम का भी उल्लंघन हुआ था। महाभारत युद्ध का तीसरा नियम ये बनाया गया था कि अगर दो योद्धा चाहे तो समान हथियार के साथ, जैसे कि घोड़सवार के साथ, हाथी सवार के साथ, पैदल योद्धा के साथ जितनी भी लंबी समय तक चाहे वो युद्ध कर सकता था। महाभारत युद्ध की चारवीं नियम ये था कि कोई भी आत्मसमर्पण कर रहा योद्धा पर वार करना, उसे घायल करना, उसे मार गिराना इस युद्ध का नियम का खिलाफ था। अगर कोई भी योद्धा आत्मसमर्पण कर रहा योद्धा पर वार करता तो ये युद्ध का नियम विपरीत होता था और उसे किसी भी तरह का युद्ध के नियम बमोजिम दंड मिलता था। लेकिन इस नियमों का भी उल्लंघन किया गया जब सत्याकी ने बिना हथियार निहत्था भूरी श्रवास को मार गिराया। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भूरी श्रवा सत्याती को मारने ही वाला था, तभी अर्जुन ने भूरी श्रवा पर तीर चलाकर उसे घायल कर दिया
और सत्याकी ने भूरी श्रवा को मार गिराया, जबकि कोई जबकि आत्मसमर्पण कर रहा योद्धा को माना इस युद्ध का नियम का खिलाफ था। इस युद्ध का पांचवी नियम ये था कि युद्ध पर सरेंडर करने वाला योद्धा को युद्धबंदी बनाया जाएगा और उसे एक युद्धबंदी की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। अगर आत्मसमर्पण छठवीं नियम ये था कि किसी भी निहत्था और बिना हथियार वाले योद्धा को घायल करना उसे और उसे मार गिराना इस युद्ध का नियम विपरीत था, लेकिन इस नियमों का भी पालन नहीं हुआ। जब अर्जुन ने कीचड़ में फंसा हुआ अपना रथ निकालते वक्त कर्ण को मार डाला, तभी ये नियम भी उल्लंघन किया गया। सातवीं नियम ये था कि किसी भी बेहोश योद्धा को मारना भी युद्ध का नियम विपरीत था, लेकिन कौरव सेना ने अभिमन्यु को मारकर इस नियम का भी उल्लंघन कर दिया था। महाभारत युद्ध का नौवीं नियम ये था कि किसी भी योद्धा को पीछे से वार करना, उसे घायल करना और मार गिराना इस युद्ध का नियम विपरीत था, लेकिन शकुनी ने अभिमन्यु पर पीछे से वार किया था। इसी तरह अर्जुन ने भी भूरी श्रवास पर पीछे से वार करके इस नियम को भी तोड़ दिया था। महाभारत युद्ध का दसवीं नियम ये था कि कोई जनावर से जब तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा तब तक उस पर वार करना, उसको घायल करना और उसे मार गिराना महाभारत युद्ध का नियम विपरीत था, लेकिन भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर इस नियम का भी उल्लंघन कर दिया था। दसवीं नियम से भी और नियम को भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि एक नियम यह भी बनाया गया था कि महाभारत युद्ध के दौरान किसी भी महिलाएं, बच्चे, युद्धबंदी और किसानों पर वार करना एक युद्ध अपराध ही माना जाता था, और किसी योद्धा ने ऐसा निहत्था, महिलाएं, बच्चे, युद्धबंदी और किसानों पर वार किया तो उसे दंड मिलता था और ये युद्धों का नियम खिलाफ था। इस युद्ध में चौंका देने वाली एक ऐसे नियम भी था कि हर हथियार पर विशेष किस्म का नियम बनाया गया था, जैसे कि किसी भी योद्धा गधा से दूसरे योद्धा को जांग में और कमर से नीचे नहीं मार सकता था, लेकिन महाभारत युद्ध का अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन की जांग पर मार के इस नियमों का भी उल्लंघन किया था। तो दोस्तों, ये था महाभारत युद्ध की अनोखी और चौंका देने वाली नियम है। तो दोस्तों, आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अगर आपके साथ इस महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को डालना मत भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।